किसी आम आदमी के फर्जी सिग्नेचर करते हुए भी जब हमारे हाथ कांप उठते हैं, वहीं हरियाणा के कैथल जिले के सरकारी अस्पताल के 2 मेडिकल ऑफिसरों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जी हां, 2 मेडिकल ऑफिसर्स ने जजों के फर्जी साइन करके सरकार से पैसे क्लेम करके सरकार को ही चूना लगा दिया। मामला था 2003 का, 18 साल से वो फाइल धूल फांक रही थी और ना तो कोई डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ और ना ही कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उन दोषी डॉक्टरों के खिलाफ हुई है। लेकिन 18 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि अब कैथल के जिला न्यायालय ने उन दोनों डॉक्टर्स पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जिन्होंने ये केस लड़ा है वो एडवोकेट मनीष गिरिडा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं खास बातचीत। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार जी। सर, क्या है पूरा ये मामला, इतना संगीन जो मामला है? पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं जो आप ऐसे मुद्दे को लेकर मेरे पास आज वार्तालाप करने आए हैं। इसमें कंप्लेनेंट मेरे पास आया था, उसने सबसे पहले इन डॉक्टर्स की चार्जशीट की एक कॉपी RTI के माध्यम से निकलवाई थी। उसमें कुछ जजों के लेटर उस चार्जशीट के साथ आए जिसमें उसे पता लगा कि इन डॉक्टर्स ने 2003 में अटेंडेंस सर्टिफिकेट कोर्ट से, जो कि जो भी सरकारी एम्प्लॉई कोर्ट में अपनी एविडेंस देने आता है तो उसको समन जाता है, तो उसको एक अटेंडर सर्टिफिकेट कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है जिससे कि वो उस दिन की सैलरी क्लेम कर सके। जो अलाउंस है, TAD अलाउंस है, जो भी गवर्नमेंट की नॉर्म्स है उसको वो प्राप्त कर सके। जी, तो वो जो जजेज का, जुडिशियल ऑफिसर्स के लेटर्स सामने आए उसमें जजेज ने ये बताया, डिस्क्लोज किया कि ये कुछ डेटों के जो अटेंडर सर्टिफिकेट है ये उनके द्वारा जारी ही नहीं किए हुए। जी, तो कंप्लेनेंट को बड़ा ये महसूस हुआ कि जजेज के साथ भी ऐसी घटना अगर कोई घट सकती है तो आम आदमी के साथ तो कुछ भी हो सकता है। जी, तो इस जिज्ञासा में उसने और भी दस्तावेज इस संबंध में डिपार्टमेंट से और कोर्ट से निकलवाने का प्रयास किया। जब उसके पास संबंधित कागजात आ गए तो उसने मेरे से संपर्क किया, मुझे सभी दस्तावेज दिखाए। मुझे भी लगा कि प्राइमा फेसाई कोर्ट के साथ और रेवेन्यू गवर्नमेंट के रेवेन्यू के साथ जो धोखाधड़ी की गई है तो इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए। जी, तो हमने कंप्लेंट फाइल की जहां जिस इलाका मजिस्ट्रेट के, जिस जज के अधीन ये सिविल लाइन थाना आता है, वहां हमने उस कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल की। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जज साहब को प्राइमा फेसाई डॉक्यूमेंट दिखाए गए। जज साहब को प्राइमा फेसाई लगा कि ये अपराध बनता है तो उन्होंने FIR के आदेश पुलिस को दिए हैं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। मनीष जी, कितने जजेस के साइन फर्जी हुए हैं कुल? कितने लेटर्स? 4 जजेस के हैं। उन लेटर्स में ये पाया गया, जब उनको वो डिपार्टमेंट ने वो चार्जशीट इनको डॉक्टर्स को किया तो वहाँ जब ये जांच के लिए भेजे गए तो जजेज ने ये बताया कि ये लेटर हमारे द्वारा साइन नहीं किए हुए अटेंडर सर्टिफिकेट है। और एक जज ने तो ये तक आया कि उस जज के सिग्नेचर उस डेट को हुए जब उसकी ट्रांसफर वहां से हो चुकी थी, वो चार्ज छोड़ चुका था वहां जी। से। मतलब डॉक्टरों ने जो साइन किए हुए थे वो उस डेट के थे जब जज था ही नहीं वहां पे। हाँ, जज नहीं था। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वो सिग्नेचर किसने किए हैं उनमें से। अब पुलिस की FIR दर्ज हो चुकी है पुलिस, लेकिन मैं इसमें पुलिस की भी कमी पहले मानता हूँ क्योंकि कंप्लेनेंट ने पहले अप्रोच किया SP साहब को। SP साहब को एक एप्लीकेशन उन्होंने मेल भेजी, SHO सिविल लाइन को दी, लेकिन SP साहब ने उसको इकोनॉमिक सेल में भेजा। इकोनॉमिक सेल के जो भी पुलिस ऑफिशियल्स थे जी, उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं उन्होंने की कि इस मामले को उस समय ही अगर ये पकड़ में आ जाता तो आज ये नौबत ना आती कि कोर्ट को आदेश देने पड़ते FIR दर्ज करने के, क्योंकि कोर्ट में इतना वर्क पेंडिंग है, उसके बावजूद कोर्ट को ये फाइलें सुननी पड़ती है क्योंकि 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये आदेश दिया हुआ है। उसकी मैं आपको अथॉरिटी बताता हूँ, जो न्यायालय
पांच जज की हमारी सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने एक ललिता कुमारी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ यूपी रिट पिटीशन थी 68 नंबर 2008 में ये आदेश दिया था कि कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें अगर कोई शिकायत पुलिस के पास आती है तो वो FIR तुरंत दर्ज करे उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया और कंप्लेनेंट को मजबूरन कोर्ट के सामने अपनी फरियाद रखनी पड़ी जी। लेकिन कोर्ट ने प्राइमा फेसाई केस को देखते हुए FIR दर्ज करने के तुरंत FIR दर्ज करने के आदेश इन डॉक्टर्स के खिलाफ दिए हैं जी। मनीष जी, FIR करने के आदेश हो गए हैं, किन किन धाराओं में जो भारतीय दंड संहिता है उसमें इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी अब इन दंपत्ति डॉक्टर की? माननीय न्यायालय ने धारा 409, 420, 467, 468, 471, 166A में आदेश किए हैं कि इन डॉक्टर्स डॉक्टर नीलम कक्कड़ और डॉक्टर भारतभूषण कक्कड़ जो उनके हस्बैंड हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश सिविल लाइन थाना SHO को दिए हैं। और बड़े ही संगीन ये धाराएं हैं, 467 में तो 10 साल तक की कारावास की मैक्सिमम सजा है और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग इनकी सजा का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे CRPC में दिया हुआ जी। अब IPC में जी, अभी तो जैसे अभी FIR दर्ज हुई है, आपको क्या लगता है इन डॉक्टर्स को अभी बेल लेनी पड़ेगी, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा या क्या प्रोसीजर रहेगा? तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पहले FIR दर्ज की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उचित सबूत मिलते हैं इनके खिलाफ तो पुलिस इनको गिरफ्तार कर सकती है। ये डॉक्टर्स अभी एक्सटेंशन पे है, रिटायर ये हो चुके हैं लेकिन एक्सटेंशन पे है क्योंकि उम्र के बाद एक्सटेंशन मिली हुई है इनको। एज ए कंसल्टेंट ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैथल में आज भी कार्यरत हैं। अगर पुलिस को इनके खिलाफ संज्ञेय अपराध में जो ये सेक्शंस हैं इनमें अगर कोई प्रूफ मिलते हैं वो पहले डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, जजेज से भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो अपना इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है पूरा करेंगे और अगर उनको प्रूफ मिलते हैं इनके खिलाफ तो वो इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। इनको बेल लेने के लिए न्यायालय में ही आना पड़ेगा, ये तो हमारे संविधान में ही है जी। लेकिन अगर उससे पहले पुलिस चाहे तो इनको गिरफ्तार कर सकती है जी सबूतों के आधार पर। तो इसमें जैसे ये आपने बताया कई धाराओं में इनमें FIR दर्ज होगी, तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? मैक्सिमम पनिशमेंट 467 जो इसमें धारा है उसमें 10 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट है। ये जो सेक्शंस है सारे ही ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में चलते हैं, ये केस चलेगा तो 10 साल तक की 467 में सजा है जी। सर, क्या विभाग की ओर से भी इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है कभी? जब कंप्लेनेंट ने विभाग को अप्रोच किया तो विभाग ने इनकी चार्जशीट की, चार्जशीट के बाद कोई ऐसा एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया गया। वो चार्जशीट बिना कंप्लेनेंट को बुलाए उसको दफ्तर दाखिल कर दिया गया जी। उसके बाद दोबारा जब इसने SP साहब को भी दरखास्त दी, अन्य जगह पे भी दरखास्त दी कंप्लेनेंट ने, उसके बाद फिर विभाग में जब दरखास्त दी तो विभाग ने भी इनके खिलाफ चार्जशीट के आदेश दिए और ये भी जवाब मांगा है कि संबंधित लॉ ऑफिसर से ये राय ली जाए कि इनके खिलाफ और क्या कार्रवाई बनती जी है। मनीष जी, एक मेरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सपोज कीजिए इनके खिलाफ विभाग कोई कार्रवाई कर देता है कि हमने एक इंक्रीमेंट रोक दी, दो इंक्रीमेंट रोक दिया, पेंशन बेनिफिट्स खत्म कर दिए इनके, तो क्या इनकी जो क्रिमिनल लायबिलिटी है जो ये धाराएं FIR उसकी खत्म हो जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होती जी। क्रिमिनल लायबिलिटी ऐसे की ऐसी बनी रहेगी क्योंकि किसी भी अगर जुडिशरी के कोई दस्तखत करके फर्जी कोई ऐसा कृत्य कर सकता है तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी और के खिलाफ भी कुछ भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सिग्नेचर किसके हैं किसके नहीं हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन विभाग ने जब चार्जशीट किया है तो उनको लगा है कि ये सिग्नेचर इन्होंने किए वाकई जो है ये सिद्ध हो सकते हैं कि ये इनके हो जी। प्राइमा फेसाई कोर्ट को लगा है ये इन्होंने एक गलत काम किया है तो कोर्ट ने प्राइमा फेसाई जो डॉक्यूमेंट देखे हैं जो एविडेंस देखी है इसीलिए इनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। और मैं आशा करता हूं कि पुलिस विभाग से भी कि वो अच्छे से जांच करें और जो कार्रवाई बनती है वो करें। मनीष जी, जैसा आप ये 18 साल पुराना मामला बताया जा रहा है तो पुलिस को क्या कोई दिक्कत आएगी इसकी जांच करने में, क्योंकि ऐसे में कई जजेस शायद रिटायर हो गए होंगे या बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए होंगे, या फिर कितनी इसमें जांच अब रह गई है क्योंकि जजेस तो पहले ही लिख के दे चुके हैं कि हमारे साइन फर्जी हैं? नहीं, लेकिन वो लिख के बेशक से दे चुके हैं लेकिन पुलिस अपने पार्ट पे भी इन्वेस्टिगेशन करेगी,
चाहे कोई आदमी रिटायर हो गया है या वो किसी भी बड़े पद पे चला गया है, कानून के आगे सब बराबर हैं जी। चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, हर आदमी कानून के सामने उसको अपने प्रूफ देने पड़ेंगे। अगर कानून की कोई प्रोसीजर है उसमें भाग लेना पड़ेगा। और अगर पुलिस जजेज के पास पुलिस है, जजेज तो सारा दिन पुलिस के पास, पुलिस जजों के पास रहती है और जज पुलिस के पास रहते हैं, तो कोऑपरेट जजेज जैसा कोऑपरेट तो कोई भी नहीं करता है। तो वो जो एविडेंस होगी वो पुलिस को लेनी पड़ेगी जजेज से भी, चाहे वो रिटायर हो गए हैं लेकिन अपने सिग्नेचर तो हर कोई पहचानता है, तो वो बताएंगे कि ये सिग्नेचर मेरे हैं या नहीं है जी। तो देखा आपने कि इंसाफ के घर में देर भले ही हो लेकिन अंधेर नहीं है। 18 साल पुराना मामला जो अब तक धूल फांक रहा था अब फिर से उठ गया है, जो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाता है कि जब कंप्लेनेंट इतने संज्ञेय अपराध में उसके पास शिकायत लेकर गया तो ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की और क्यों अदालत उसे जाकर ये गुहार लगानी पड़ी कि कंप्लेंट अंडर इन IPC उसको फाइल करनी पड़ी, जिसका जो कल एक अहम फैसला आया जिसमें दो दंपत्ति डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल कैथल के थे उन्होंने जजों के फर्जी हस्ताक्षर करके सरकार से पैसे क्लेम कर लिए थे। अब देखना यह होगा कि 18 साल बाद जजों को इंसाफ मिलेगा या नहीं। ये थी हमारी खास पेशकश मनीष गिरडा के दफ्तर से, जो सरकारी यहां पर जो वकील हैं जिला अदालत कैथल में। ये थी हमारी खास पेशकश। दिल्ली हरियाणा न्यूज से मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ।